नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां समय पर हो जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। संकट मोचन हनुमान के दर्शन कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुखी स्वस्थ उत्तर प्रदेश की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन, आरती व परिक्रमा की। हम आपको बता दें कि महज 3 दिन बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे में सीएम ने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। शुक्रवार सुबह रामनगरी पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। 11 दिन के भीतर यानी 9 जनवरी और 14 जनवरी के बाद अब 19 जनवरी को सीएम का रामनगरी का यह तीसरा दौरा था। मुख्यमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों के संदर्भ में भी जानकारी ली। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किए। यहां उन्होंने संतों महंतों से भी हालचाल जाना। यहां ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के तत्वाधान में आयोजित श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दिशा से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन किस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहां के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहां के सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी इसके अनुसार यहां पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहां बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहां के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्साह है।
उमंग है, 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीत लहरी चल रही है, अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे, हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा, और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी, और हर एक श्रद्धालु को आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहां पर इस भीषण शीत लहरी में हैं, मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुंचा रहे हैं, और इस अपील को भी पहुंचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहां के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की चीजें, सभी चीजें इसमें की जा रही हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह के सुधार, देखिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा, और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। राम मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर अमित सिंह चौहान, रामचंद्र यादव आदि भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से भी मुलाकात की और नेपाली बाबा आश्रम में भी पूजा अर्चना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में सरयू घाट का दौरा किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। हम आपको यह भी बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर से भगवान राम की मूर्ति की झलक भी आज सामने आ गई। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा की ओर से यह तस्वीरें जारी की गई हैं। बहरहाल आइए देखते हैं मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे पर प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास क्या कह रहे हैं। राम द्वारे नखवारे हो ठाक्या के पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा हो पूर्णा। गुरु योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और
जिस प्रकार से वो अयोध्या आते हैं, 22 की तैयारी, वो दिन की प्रतीक्षा आप लोगों ने देखा होगा कि मूर्ति वहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो भी आप लोगों को दिखा होगा। हम लोग अभिभूत हैं, हम लोग उत्साहित हैं, इतने वर्षों के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। पूज्य महाराज जी अभी आए थे, दर्शन करके गए हैं, अभी अयोध्या में विकास कार्य की समीक्षा, 22 की तैयारी, प्रधानमंत्री जी का आगमन, देश और दुनिया के कोने कोने से धर्माचार्य महामंडलेश्वर रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य शंकराचार्य का आगमन, उनकी व्यवस्था कैसे अच्छी हो, इसकी गहन अध्ययन और चिंतन करेंगे। माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत-बहुत साधुवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।